मैं जित भी जाऊं पूरे विश्व में, देश में, मैं बहुत गौरव से कहता हूं कि मैं रोहतकी हूं, मैं हरियाणवी हूं। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द डुओ फैक्ट्स। रणदीप हुड्डा बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एक्टर हैं, जिन्होंने हाईवे, सरबजीत, रंगरसिया जैसी मूवी देकर अपने आप को प्रूव कर दिया था कि वो किसी भी तरह से खान से या कपूर से कम नहीं है। पर सिर्फ टैलेंट से बॉलीवुड में कोई स्टार बन जाता तो बॉलीवुड इतना बदनाम नहीं होता। बहुत दिनों बाद रणदीप नेटफ्लिक्स की फिल्म एक्सट्रैक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ के साथ फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सट्रैक्शन में उनकी एक्टिंग देखकर पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। तो इस वीडियो में हम आपको रणदीप की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 1, रणदीप के पापा डॉक्टर थे, इस वजह से हमेशा आउट ऑफ इंडिया ही रहते थे। इसलिए रणदीप हमेशा से ही अकेले अपनी ग्रैंड मदर के साथ ही रहे हैं, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी। नंबर 2, रणदीप हुड्डा जब इंडस्ट्री में आए थे तभी उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी भी टिपिकल बॉलीवुड के लव बॉय राज जैसे रोल नहीं करेंगे। आज भी बॉलीवुड लव स्टोरी से आगे नहीं बढ़ पाया है। बॉलीवुड की 100 में से 80 फिल्म तो लव स्टोरी पर ही होती है, जिसमें ओवर द टॉप मेलोड्रामा आपको देखने मिलता है। बॉलीवुड के बहुत फेमस डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, जिनको बहुत से लोग बॉलीवुड का बेस्ट डायरेक्टर मानते हैं, उनकी फिल्म्स अगर आप देखो तो उनका फिल्म कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, फिल्म का पूरा फोकस एक्टर्स की लव स्टोरी पर ही होता है। रणदीप कहते हैं कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि मैं ऐसे कैरेक्टर प्ले करूंगा, अभी तक तो नहीं आया है और ट्राई करूंगा आगे भी नहीं करूं। हालांकि लोग उनके बारे में हमेशा कहते रहते हैं कि रणदीप पुलिस के रोल को बहुत ज्यादा बार रिपीट करते हैं। इस पर रणदीप का कहना था कि जैसे कभी जर्नलिस्ट एक जैसा नहीं होते, वैसे ही कभी भी एक पुलिस वाला सेम नहीं होता। जितने भी कॉप के रोल मैंने प्ले किए हैं वो हमेशा एक दूसरे से अलग होते हैं, चाहे बात की जाए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की या बागी 3 की। सर एक सेल्फी हो जाए ये यादगार बनाने के लिए। खुद की ले रहे हो? दूंगा भी सर। नंबर 3, रणदीप के पापा डॉक्टर थे, इसलिए वो चाहते थे कि रणदीप भी डॉक्टर ही बने। पर जब रणदीप ने कहा कि वो एक्टर बनना चाहते हैं तो उनके पापा ने कहा कि अगर भंड ही बनना है तो घर ही आ जा। नंबर 4, रणदीप बचपन से ही अकेले रहे हैं, इसलिए उनको स्कूल से ही बुरी आदत लग गई थी, लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड क्लास बंकिंग। नंबर 5, रणदीप अपनी हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे पर वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए थे। बाद में रणदीप ने अपनी बैचलर एंड मास्टर मेलबर्न से कंप्लीट की। नंबर 6, रणदीप ने अपनी लाइफ में बहुत से जॉब किए हैं, लाइक वर्किंग इन चाइनीज रेस्टोरेंट एज वेटर, कार वॉशिंग, डिश वॉशिंग, 2 years एज टैक्सी ड्राइवर एंड मेनी सच जॉब्स। यू आल्सो वर्कड एज अ टैक्सी ड्राइवर देयर। आई वर्कड एज अ टैक्सी ड्राइवर सो फ्रॉम 5 इन द इवनिंग टू 5 इन द मॉर्निंग, वेयरिंग अ ब्लू शर्ट विद लेपल्स कॉल्ड ब्लैक कैब्स, ब्लैक और ब्लू ट्राउजर्स, ब्लैक शूज। So I did that from when people my age, I must have been 21, 22 years old, my age were partying. I used to be sitting outside the club waiting for them to finish partying so I can make money. A lot of odd jobs. I worked in restaurants, in Chinese restaurants. Started with the dishwasher and then got into delivery. Then I got to promoted to being a rice maker. And then finally I became a waiter. नंबर 7, इंडिया आने के बाद रणदीप ने दिल्ली में मार्केटिंग सेक्टर में काम करना स्टार्ट किया, पर कुछ ही दिनों में रणदीप ने उस जॉब को क्विट कर दिया और वो मुंबई आ गए। नंबर 8, रणदीप ने अपने स्ट्रगलिंग डेज में बहुत से मॉडलिंग असाइनमेंट भी किए, जब तक कि उनको अपनी डेब्यू फिल्म मॉनसून वेडिंग में काम नहीं मिला था। नंबर 9, जब रणदीप मुंबई आए थे तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हरियाणा से वो अकेले थे जो एक्टर बनने जा रहे थे। रणदीप की जान पहचान वाला कोई था ही नहीं। रणदीप मानते कि मॉनसून वेडिंग तो उनको अपने लक की वजह से मिल गई थी, पर जब रणदीप ने अपने आप को स्क्रीन पर देखा तब उनको लगा कि मुझे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तब उनको नसीरुद्दीन शाह मिले और उनके साथ रणदीप ने थिएटर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रणदीप के पापा ने उनसे कहा था जब रणदीप ने अपने पापा से बाइक लेने की जिद की थी, तब रणदीप की मॉम ने कहा कि तेरे पापा जब तेरी उम्र के थे तब वो कॉलेज साइकिल चलाकर जाते थे। तब रणदीप ने उनका रिप्लाई करते हुए कहा कि माँ, मेरे पापा किसान के बेटे थे और मैं एक सर्जन का बेटा हूँ, दोनों में बहुत फर्क होता है। तब रणदीप के पापा ने रणदीप को बुलाकर कहा कि देख बेटा, मैं भी हाथों का मजदूर हूँ, तू भी अपने काम को सीख जा ताकि तुझे किसी पर डिपेंड ना होना पड़े। मने वा एक ऑडिशन में तुक्के थे मॉनसून वेडिंग मिलेगी वा मिले पाछा जी मने वा पहली बार स्क्रीन पे देखे ना अपने आप को तो मेरे को नहीं लगा जो फिर उन्हें काम नहीं आता
और जब मैंने इन्हें लगे जब मैंने काम नहीं आता तो मैंने सोची भाई अगर मैं फिल्मों में गाना अपना ना दिखाए बगैर जब मैं काम सीख लूँ जब मैंने काम आ जाए तो मैंने इन लोगों पर डिपेंड ना करना पड़े। और रणदीप ने ऐसा ही किया, पहले एक्टिंग सीखी तभी वो इंडस्ट्री में वापस आए। नंबर 10, मॉनसून वेडिंग के बाद रणदीप को बहुत से फिल्म के ऑफर आए, तब उनको राम गोपाल वर्मा मिले और रणदीप से कहा तुम्हें मैं एक अच्छी फिल्म दूंगा, तुम किसी भी फिल्म को हाँ मत करना, कितना कमा लेते हो आजकल? रणदीप ने कहा 30,000 से 35,000 कमा लेता हूँ। और राम गोपाल वर्मा ने 3 साल तक रणदीप को 35,000 रुपए हर महीने दिए ताकि वो और किसी फिल्म को साइन ना करे। Randeep, you made your debut in 2001, and then after nearly a struggle of 4 years, you bagged your second film. This year you It was not a struggle. I was employed by Mr. Ram Gopal Varma in his factory. I used to get 35,000 rupees a month not to do any film. Number 11. जब रणदीप मुंबई पहली बार आए थे, तभी वो जेल चले गए थे। रणदीप को मुंबई में एक जॉब मिली थी 15,000 की। इस बात से रणदीप बहुत खुश हो गए थे और ताज होटल में पार्टी करने चले गए। पार्टी के बाद रणदीप ने ऑटो लिया और रणदीप को लग रहा था कि ऑटो वाला उनको घुमाए जा रहा है मीटर बढ़ाने के चलते। रणदीप ने ऑटो वाले को थप्पड़ मार दिया और ऑटो वाले को इतना गुस्सा आया कि उसने ऑटो सीधा पुलिस स्टेशन ले लिया और वहां पर भी दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगे और रणदीप ने इंस्पेक्टर के सामने फिर उसे एक और थप्पड़ मार दिया। फिर इंस्पेक्टर ने रणदीप को थप्पड़ मारा और लॉकअप में डाल दिया। नंबर 12, उनकी एक एल्डर सिस्टर है अंजलि हुडा संगमान जो कि एक डॉक्टर है और इंडिया एंड अमेरिका में ट्रेंड है, और उनके एक छोटे भाई भी हैं संदीप हुडा जो सिंगापुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। नंबर 13, एक इंटरव्यू में रणदीप ने बताया कि वो अपने स्कूल टाइम में टीचर्स एंड क्लासमेट्स को चिढ़ाना बहुत पसंद करते थे। सोनेपत के बोर्डिंग स्कूल में वो अपने ब्रैटी नेचर की वजह से रणदीप डॉन हुडा के नाम से पॉपुलर थे। नंबर 14, हुडा की फेवरेट हॉबीज में हॉर्स राइडिंग उनकी लव वन है और वो 6 पर्सनल हॉर्सेस को भी ओन करते हैं। उन्होंने इक्वेस्ट्रियन इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और 2 मेडल्स भी जीते। नंबर 15, दिसंबर 2008 में रणदीप ने मुंबई में एक पोलो मैच के दौरान अपने घोड़े से गिरने के कारण एंकल में गंभीर चोट लगने के बाद सर्जरी करवाई। नेक्स्ट ईयर उन्होंने दिल्ली में इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक खुले ड्रेसेज इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। एंड दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द ड्यूओ फैक्ट्स को, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको रणदीप की कौन सी फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी।